एमकेएम ने 4 अक्टूबर को हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी पावर शो दिखाने का ऐलान कर दिया। मुतहदा रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने 13 सालों में कराची समेत पूरे सिंध को खंडर बनाकर तबाह कर दिया। जाली मर्दमशुमारी के जरिए कराची में अपनी अक्सरियत कायम की। हम आईनी हदूद में रहते हुए नए सूबे का मुतालबा कर रहे हैं। कराची की रैली में अवाम ने साबित किया कि वो एमकेएम के साथ हैं। पीपल्स पार्टी की कराची रैली चोरी ऊपर से सीना जोरी के मुतरादिफ करार दे दी। यहाँ के लोगों ने जद्दोजहद नहीं की है। बल्दियाती निज़ाम जब तक चलता रहा, बल्दियाती निज़ाम को नाकाम करने की हर तरह से कोशिश की गई। फंड्स फराहम नहीं किए किसी तरह भी, कि जिन जिन इलाकों से एमकेएम को मैंडेट मिला है उन इलाकों में लोग एमकेएम से दूर हो जाएं। सिंध के शहरी इलाकों पर नौकरियां फराहम की गई अपने लोगों को। 3 लाख से जायद नौकरियां इन 12-13 सालों में दी गई हैं, जिसमें सिंध के शहरी इलाकों को बमुश्किल तमाम 5,000 नौकरियां भी नहीं दी गई।